दोस्तों आज की कहानी है बहू, अगर मैं तुमसे झगड़ा करूं तो तुम घर छोड़कर मत जाना। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज भी मुझे वो दिन याद है जब तुम इतनी सी थी और मैं अपने हाथों में लेकर तुम्हारे सहरे में खुद को और अपनी पहचान ढूंढ रही थी, क्योंकि उस रोज मुझे तुमने एक नया नाम दिया था। माँ इस दुनिया से मेरा नया परिचय करवाया था। आज देखो कितनी बड़ी हो गई हो, सच कहा है किसी ने, बेटियां बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। सुमन अपनी बेटी सिमरन से बोल रही थी, ऐसी बात नहीं है माँ, आज भी मैं आपकी वही सुमी हूँ जो आपके हाथों में थी। फिर आपने जिसे चलना और दौड़ना, फिर जीवन की रेस में भागना सिखाया था। सिमरन माँ से बोली, माँ बोली तुम तो मेरे नजरों के सामने थी। सिमरन फिर कैसे मुझे पता नहीं चला और तुम बदल गई। सिमरन की शादी को अभी 2 साल हुए थे और वो अपने पति और सास से नाराज होकर अपने मायके चली आई थी, और यहाँ सुमन जी अपनी बेटी को समझा रही थी। वो बोली, माँ तो माँ होती हैं, साए पति की माँ हो या खुद की माँ, हर किसी की इज्जत करनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें छोटी छोटी बातों के लिए टोकूं तो क्या तुम मुझे छोड़कर कहीं और चली जाती? वो बोली, नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। माँ बोली, तुम उस बुढ़ी माँ को बीमार हालत में छोड़कर यहाँ कैसे चली आई? क्या तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें रोका नहीं? वो बोली, माँ आप जानती नहीं, वो हर बात पर मुझे टोकती हैं, जैसे मैं कुछ समझती ही नहीं। मैं पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़की हूँ, कोई मुझे इतना दबाए मैं नहीं देख सकती हूँ। माँ बोली, बेटा हर किसी में गुण और अवगुण होता है, इंसान की कला तब निखर कर आती है जब वो अपने आलोचकों के बीच से गुजरता है। तुम ये क्यों भूल जाती हो? जब तुम यहाँ थी, मैं और तुम्हारे पापा भी तुम्हारी कमियों पर तुम्हें टोकते थे। वो बोली, आप मेरे माता पिता हो, आपका अधिकार है। माँ बोली, वो भी तुम्हारी माँ समान है, उनका भी तुम पर अधिकार है, तुम अपनी स्वीकृति से उनके परिवार के साथ जुड़ी थी, उन्होंने जबरदस्ती नहीं की थी। जब माँ ने बहुत समझाया तब सिमरन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर परिवार से अलग रहना अपनी ही जिंदगी को खराब करना है। माँ के समझ
जाने पर सिमरन ने अपने पति विवांग को फोन किया। वो उसे लेने आया। सिमरन बहुत खुश थी। विवांग अपनी सास से बोला, मम्मी जी आपने अच्छा किया जो इसे समझा दिया। काश आपके जैसी हर माँ हो। वो बोली, दामाद जी आपको भी इसका ध्यान रखना होगा। उस पर वो बोला, आपके जैसी हर माँ अपनी बेटी और उसके ससुराल दोनों पक्षों को सुने और सही सलाह दे तो कभी किसी का घर बिखरेगा नहीं। मैं अपनी माँ को भी समझा लूंगा और आगे से कभी ऐसी परेशानी नहीं आने दूंगा, ये वादा करता हूँ। वो सिमरन के साथ खुशी खुशी अपने घर चला गया। जब सिमरन वहाँ पहुँची तो उसकी सास बोली, मैं बोलती थी ना तुम्हें कुछ दिन इसे वही छोड़ दो, जब अकल ठिकाने आएगी तो अपने आप तुम्हें बुलाएगी। सिमरन ने अपने पति की ओर देखा। पति बोला, माँ ये मेरे लिए या खुद के लिए नहीं आपके लिए आई हैं, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। सिमरन की सास चुप हो गई। सिमरन के ससुर जी बोले, बहू उसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो, एक बेटा और एक ही लाडली बहू है, तो अपनी सास होने के सारे शौक को तुम पर ही पूरा करना चाहती है। सिमरन मुस्कुराने लगी। वो बोले, ये हुई ना मेरी बहू वाली बात, जाओ फ्रेश हो जाओ और अपना घर संभालो। बाद में भी सिमरन की सास छोटी छोटी बातों पर कुछ ना कुछ बोलती ही रहती थी, पर सिमरन ने तय कर लिया था कि अब वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देगी। एक रोज सिमरन बिरयानी बना रही थी और कानों में ईयरफोन लगा हुआ था, वो गाने सुन रही थी। उसकी सास पीछे से आकर कुछ बोली। सिमरन ने ध्यान नहीं दिया। जब खाना तैयार हो गया तो सिमरन की सास आकर बोली, काम के समय सारा ध्यान काम पर रखना चाहिए, वरना कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर हो जाती है। सिमरन बोली, क्या मम्मी जी आप फिर से शुरू हो गई, देखिए मैंने कितने प्यार से आपके लिए चिकन बिरयानी बनाई है। उसकी सास बोली, तभी तो बोल रही थी, पर तुमने तो कान मैं ढक्कन लगा रखा था, सबको परोसने से पहले एक बार शक कर देखना। सिमरन ने एक चम्मच बिरयानी मुंह में डाली तो उसे ध्यान आया कि उसमें नमक दिया ही नहीं है। उसकी सास बोली, बिना मक्खन और नमक के क्या स्वाद आएगा, सास हमेशा बुरी हो ये जरूरी नहीं बहू, मायके में माँ और ससुराल में सास की बातों का बुरा मानोगी तो कैसे कुछ सीख पाओगी। इतना बोलकर वहां से चली गई। जब सब टेबल पर खाना खाने बैठे सब बिरयानी की बहुत तारीफ कर रहे थे। सिमरन बोली,
आज मम्मी जी की वजह से ये बिरयानी अच्छी बनी है। अगर उनकी पार की नजरों से ये बिरयानी नहीं गुजरती तो शायद आप लोगों को इतना अच्छा स्वाद नहीं आता। बहुत कुछ इनसे मुझे अभी सीखना है। मम्मी जी आप सिखाएगी मुझे सिमरन की इतनी मीठी बातों का उन पर इतना असर हुआ कि उनकी आंखों से आंसू आने लगा। वो बोली, बहू मेरी कोई बेटी नहीं है बड़ी। मन में इच्छा थी कि अपने सारे शौक और अपने गुण अपनी बेटी बहू को दूंगी। अगर मैं तुम्हें कुछ बोल जाती हूँ तो बुरा मत माना करो, ये घर तुम्हारा है, कभी इस घर को और हमें छोड़कर कभी मत जाना। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिमरन ने आंसू पोसा और बोली, मम्मी जी जो गलती एक बार मैंने की वो कभी नहीं दोहराऊंगी। आप मेरी माँ हैं, भला आपको कैसे छोड़कर मैं जाऊंगी। सभी लोग मजे लेकर बिरयानी खाए और एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई। पूरा घर बिरयानी की खुशबू और नए रिश्ते के एहसास से महक रहा था। दोस्तों जैसे शादी के बाद माँ की कही हुई कोई बात हमें कभी कभी बुरी लगती है, उसी तरह नए घर और नए परिवार में जाने के बाद सास की भी कुछ बातें हमें बुरी लगने लगती हैं। परंतु जहां वो घर हमारे लिए नया है वैसे ही उनके लिए भी ये रिश्ता नया है। मिलजुल कर अगर समझे तभी ये रिश्ता निभता और निखरता है।